मुजज़ा खल्क़ की आदत को कहते हैं, ऐसा काम जो आम इंसानों के बस और इख्तियार में नहीं हो। उसकी मिसाल क्यों सुनी गई? मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जाहिर जादूगरों ने तो अपनी रस्सियां फेंकी तो लोगों की आंखों को जादू कर दिया। वो समझने लगे इस सांप और सपड़ियां बाहर तोड़ रहे, जिस बराबर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया ला तखाफ, मूसा डरना नहीं, डरना नहीं। ये जो तेरे हाथ में डंडा है ना आसा, ये तुम भी फेंक लग रहे हो कम से। मूसा अलैहिस्सलाम नबी को जादूगर थोड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आसा जो हाथ में था वो फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देख के खुद भी हैरान हो गए कि वो आसास बड़ा असलहा बन गया और वो छोटी छोटी जो रस्सियों उन्होंने फेंकी थी जो सांपों के बच्चों की शक्ल में नजर आ रही थी उनका वो हड़प करने लगा। वह उल की जो साफ साफ थी उनके अल्फाज हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो जादूगर जो उन्होंने रस्सियां फेंकी थी और वो सांप नजर आने लगे थे वो भी सारे के सारे समझ गए ये जादू नहीं है, ये बाकी कायनात के रब की तरफ से अता करना निशानी है, मौजज़ा है। चुनांचे वो सारे के सारे सजदे में गिर गए और ईमान लाए। अल्लाह ने सारे नबियों के मौजज़ा दिए हैं। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश ही मौजूदा है, गैर माँ बाप के पैदा किया है ना, अपने हाथों से पैदा किया और जन्नत में पैदा किया। फिर जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस्लाम से पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी मौजूदा है, बगैर बाप के पैदा किया। किसी नबी को कोई मौजज़ा, किसी नबी को कोई मौजज़ा, लेकिन कमली वाले को ना बहुत ज्यादा तौर पर पैदा किया, उनकी हैरत अंगेज जो 40 साल से नबूवत के कायनात के रब ने उसी का मौजज़ा बना दिया। अल्लाह ने पहले पहल जो है मेरे पैगंबर के भरोसे का जिक्र नहीं किया। कुफारे मक्का के बारे में कुफारे मक्का को अल्लाह ने क्या फरमाया अपने पैगंबर के बारे में? लकद लबिस्तु फीकुम उमरा मिन कबलिही अफला तअक्लून। ओए कुरैशी मक्का, मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में 40 बरस गुजारे हैं मेरे पैगंबर ने, यतीमी की हालत में पैदा हुए, यतीमी की हालत में परवरिश पाई। मेरे पैगंबर ने कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी, मां भी फौत हो गई, जान देने वाला दादा भी फौत हो गया। और बताओ मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है कि जो 40 साल नबूवत में जो मेरे पैगंबर ने गुनाह किया हो? इतना बड़ा मौजज़ा है अल्लाह ने जो है अपने पैगंबर ने 40 साल को लोगों के सामने पेश किया है। उस सारे सलाम की पैदाइश मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजूदा,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो पूरी उम्मत जो है, पूरी मिल्लत उनकी जो है काफ़र, एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो है अल्लाह ने जो है उनको हदायत का रास्ता दिखाया और फिर आग को उनके लिए गुलजार बना दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से सेवा कर रहे हैं, तो क्या हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया और अल्लाह ने इनाम कर दिया, कद सबकत रोया, मेरे नबी मेरे ख्वाब को भी तूने जो है जो मैंने ख्वाब दिखाई थी उसको भी सच कर दिया। कश्ती का जो है और फिर शराब तूफान जो उनके उनकी कौम के खिलाफ आया, जिस सारे भैया को कोई ना कोई बोझ था, लेकिन मेरे पैगंबर का के लिए ऐलान अल्लाह ने किया, मेरे पैगंबर की 40 साल जिंदगी बेताब जिंदगी, अल्लाह